हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्लास नंबर 8 में होंगे। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, खास करके कॉम्बिनेशन का बात करेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन का सीरीज चल रहा है अभी, कि जिसमें आप पाएंगे कि आउट ऑफ 10 गिवन थिंग्स आपको 8 सिलेक्ट तो करने हैं, बट आपसे ये कहा जाएगा कि दो पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड या टू पर्टिकुलर थिंग्स आर नेवर सिलेक्टेड। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन सबसे पहला कि हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे कि कैसे क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाएंगे आपके सामने एंड देन उसके सॉल्यूशन का तरीका। एम आई क्लियर? आओ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूँ ज़रा देर के लिए पॉज करो, रीड करो और फिर सीखेंगे इसके बारीकियों को, ठीक है? चलो, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स। आपके पास 10 बुक्स है जिसमें से आपको 4 बुक चूज करने हैं या सिलेक्ट करना है, जबकि टू पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज सिलेक्टेड, जिसमें से टू कोई पर्टिकुलर बुक है, कोई पर्टिकुलर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कहने का मतलब। तो इस एक छोटा सा चीज समझो भाई, कि अगर ये बात नहीं बोला हुआ रहता तो इसका मतलब 10 में से आपको 4 बुक सिलेक्ट करने होते, बट अब ये कह रहा है कि इस 4 में से कोई 2 बुक ऑलरेडी सिलेक्टेड है। दैट मीन्स ऐसा इमेजिन करो कि 10 लोगों ने किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया जिसमें से 4 लोगों को सिलेक्ट तो होना है, बट जो अप्लाई किए हैं 10 बच्चे, उसमें से 2 कोई ऐसा बच्चा है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटिव है, ऑर्गेनाइजेशन के हेड का रिलेटिव है। दैट मीन्स उनका सिलेक्शन होना तो तय है ना। तो कहने का मतलब कि अभी एक्चुअली में अगर सिलेक्ट करना है तो सिर्फ बचे 2 लोगों को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ बचे हुए 8 लोग। दैट मीन्स द सिलेक्शन कुड बी पॉसिबल इन 8C2 वेज। 2 लोगों को सिलेक्ट करना है क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। लोग कह रहा हूं यहां पे बुक है, तो 2 बुक को सिलेक्ट करना है क्योंकि 2 बुक ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। 2 + 2 = 4। तो अगर 2 बुक सिलेक्ट करना है बचे हुए बुक में से, तो इस 4 में से अगर 2 का हम ऑलरेडी सिलेक्शन मान ले तो वो 2 यहां से भी तो चला जाएगा ना। तो बचे हुए 8 बुक में से 2 बुक आपको सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स 8 × 7 / 2, 2 × 4 = 8, 7 × 4 = 28 नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन कैन बी पॉसिबल। आओ, सीखने के पर्पस से एक सिमिलर क्वेश्चन, बस लैंग्वेज अलग है, आपके स्क्रीन के ऊपर आप जरा गौर करना कि अब की बार आपसे यह कह रहा है कि 10 बुक में से करना तो है सिलेक्ट 4 बुक्स को, बट इसमें से 2 बुक्स आर नेवर सिलेक्टेड या 2 बुक्स आर ऑलवेज रिजेक्टेड, कुछ भी कहे। तो कहने का मतलब कि 10 में से 4 बुक सिलेक्ट करना है जिसमें से आप जानते हैं कि 2 बुक को सिलेक्ट करना ही नहीं है। यानी कि अब आप ये सोच लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने वैकेंसी निकाली 4 पोस्ट के लिए, 10 बच्चों ने अप्लाई किया, बट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है उन 10 बच्चों में से 2 ऐसे पर्टिकुलर बच्चों पे नजर गया कि जिनको उन्हें सिलेक्ट करना ही नहीं है। तो यानी कि ये केस कुछ इस तरह का है कि बचे हुए 8 लोगों में से अब उसे 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, बचे हुए 8 लोगों में से, क्योंकि 2 ऑलरेडी रिजेक्टेड है, वो सिलेक्टेड नहीं है, तो सिलेक्ट तो 4 ही क्यों करना है। मगर इस 10 में से इस 2 को पहले बाहर कर देना, तो बचा है 8, यानी कि 8 में से 4 बुक्स को सिलेक्ट करना है। दैट इज पॉसिबल इन 8C4 वेज। दैट इज योर आंसर इज 8 × 7 × 6 × 5 / 4 = दैट इज 4 × 3 × 2, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 5 × 7 = 35, 2 × 9 = 70, 70 डिफरेंट वेज होगा सिलेक्शन का। एम आई क्लियर? अब आपके स्क्रीन के ऊपर मैं रखने जा रहा हूं सेट ऑफ 2 2 क्वेश्चन, बारी बारी से उसको पॉज करो, सॉल्व करो, हो
हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो वापस आना, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अमोंग अ ग्रुप ऑफ 10 मेंबर, 10 मेंबर का ग्रुप है जिसमें से सिलेक्ट करना है 5 लोगों को, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड। पहला क्वेश्चन, वन पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द बोर्ड। वन पर्टिकुलर में नहीं लिख रहा हूं अलग से, पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज सिलेक्टेड। और बी कह रहा है क्वेश्चन नंबर बी कि अ पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, यानी कि वन पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है भाई, पॉज करो, सॉल्व करो। 10 में से 5 लोगों को चुनना है जिसमें से कि आप जानते हैं कि एक मेंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी कि बचा हुआ में से चुनना है आपको 4, बचा हुआ में से यानी कि 9 में से। तो दैट इज इन हाउ मेनी वेज, 9C4 वेज। सॉल्व कर लेना, यही आंसर है। वन मेंबर इज एक्सक्लूडेड, एक मेंबर एक्सक्लूड है भाई, यानी कि एक मेंबर को सिलेक्ट करना ही नहीं है, तो आपको अभी भी एक्चुअल पोजिशन के लिए 5 लोग चाहिए आउट ऑफ 9, एक लोग को पहले ही बाहर कर देना है आपको। दैट मीन्स इन हाउ मेनी वे, तो आप कहोगे 9C5। सॉल्व करना, आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन, स्टूडेंट हैज टू सिलेक्ट 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 11 क्वेश्चन। टोटल 11 क्वेश्चन है जिसमें से उसे सिलेक्ट करना है 7 क्वेश्चंस को। इन हाउ मेनी वे कैन ही मेक हिज सिलेक्शन इफ, पहला आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज ही डज नॉट वांट टू चूज क्वेश्चन नंबर 5 और 10। क्वेश्चन नंबर 5 और 10 को चूज नहीं करना चाहता है, यानी कि 2 क्वेश्चंस को वो रिजेक्ट करना चाहता है। एंड क्वेश्चन नंबर बी सेज ही हैज टू इंक्लूड क्वेश्चन नंबर 5 और 10 कंपल्सरीली, यानी कि कोई 2 क्वेश्चन है, 5 और 10 पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसे वो हमेशा सिलेक्ट करना चाहता है। आ गया बात समझ में, लैंग्वेज के भर का बात है, बस पॉज करो, सॉल्व करो, वरना वापस आओ। 2 क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया भाई, तो अभी भी 7 को ही चुनना है, मगर बचे हुए में से 11 में से 2 चला गया ना, तो बचा 9। दैट मीन्स 9 में से 7 का सिलेक्शन, दैट इज 9C7। समझो बात को, 2 क्वेश्चन को वो चूज करने के कॉन्सिडरेशन में रखेगा ही नहीं, यानी कि फाइनली उसे 7 ही चूज करना है, बट आउट ऑफ अवेलेबल 11, अगर वो 2 क्वेश्चन को कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो बचा हुआ 9 में से 7। अब आओ देखते हैं कि अगर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो वो अब सिलेक्ट करने वाला है 5, मगर बचे हुए में से, बचा हुआ मतलब 9 में से, तो इट कैन बी पॉसिबल इन 9C5 वेज। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपका अब तक क्लियर हो चुका होगा, आप चीज़ों को पकड़ रहे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आज के क्लास में आखिरी करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा थोड़ी ही देर में। क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है और सिमिलर टाइप है, ठीक है, सॉल्व करेंगे साथ में, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखो आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 8 मैन एंड 10 वुमेन, आउट ऑफ 8 मैन एंड 10 वुमेन, 6 मैन एंड 5 वुमेन आर टू बी सिलेक्टेड। इसमें से सिलेक्ट कितनों को करना है, 6 मैन एंड 5 वुमेन। फॉर मेकिंग ए कमिटी, फाइंड द नंबर ऑफ सच कमिटी व्हेन वन पर्टिकुलर मैन, इसमें से एक पर्टिकुलर मैन, मान लो नाम दे देता हूं उसका ए, refuses to be a member of the committee if his boss's wife is there in the committee. That means woman में से suppose करो boss का wife का जो नाम है वो C है, female है, ये male है, plus minus और reasoning का indication है, plus indicated for male and minus is for female. That means A और C आपस में कभी साथ में नहीं आएगा, A and C never come टूगेदर, ये भी आप इस तरह से समझ सकते हैं। मतलब अगर ए को आप कमिटी में रखेंगे तो सी नहीं जाएंगी, और अगर आप सी को कमिटी में रखेंगे तो ए नहीं जाएगा, बस बात ये है। 8 मैन 10 वुमेन में से एक पर्टिकुलर मैन है ए, जो सी के होने से, कमिटी में होने से
नहीं जाएगा, रिफ्यूजेज टू बी मेंबर ऑफ द कमिटी. आपको चूज करना है 6 men 5 women. तो 3 different cases बनेंगे भाई, समझो बात को बारी बारी से. और आप अगर सोच रहे हो कि क्यों 3 मैंने कहा, वो भी समझ में आ जाएगा. सपोज करो कमिटी में ए इंक्लूडेड है तो सी तो नहीं जाएगा, पहला केस. केस 2, ए नहीं जाएगा तभी सी जाएगा. एंड केस 3, ए भी कमिटी में नहीं होगा और सी भी कमिटी में नहीं होगा, तब तो कोई उलझन नहीं है ना. क्या नहीं हो सकता है? एक का होना और सी का होना साथ में, कमिटी में साथ में होना, ये नहीं हो सकता. एम आई क्लियर? यानी कि आप एक चीज और समझ लो साथ ही साथ, कि ये एक केस है आपस में एंड से जुड़ा हुआ, ये एक इंडिविजुअल केस है आपस में एंड से जुड़ा हुआ, ये एक इंडिविजुअल केस है आपस में एंड से जुड़ा हुआ, बट ये केस इस केस से और से जुड़ा हुआ है. दैट मीन्स या तो ये वाला केस होगा कमिटी बनने में, या तो ये वाला और ये वाला. क्लियर? आओ देखते हैं. ए जा रहा है यानी कि ए इज सिलेक्टेड, तो 8 men 6 चुनना है, जबकि 1 particular man इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. आ रही है बात समझ में? तो अभी तक जितना भी काम हम लोग सीखे हैं उसी का यूटिलाइजेशन है, बस कुछ और टिपिकल अंदाज से. 8 men 6 चुनना है जबकि 1 man इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. दैट मीन्स दिस कैन बी पॉसिबल इन 7C5 way. एक्चुअली आपको 5 चुनना है, 6 नहीं, क्योंकि एक सिलेक्ट हो चुका है बचे हुए में से, दैट इज 7. इनटू 5 आप चुने हैं ना, मैन का सिलेक्शन हो गया, वुमेन का बाकी है. सी एक वुमेन है जो सिलेक्टेड नहीं है, यानी कि सी इज रिजेक्टेड. दैट मीन्स 10 women में से 5 women चुनना था, बट 1 particular woman इज नेवर सिलेक्टेड. दैट मीन्स आपको बचे हुए 9 में से मगर 5 ही चुनना है. पहला केस समझ में आ गया. दूसरा केस, 8 men में से 6 men चुनना था, जबकि आपने इस केस में देखा कि 1 particular man इज नेवर सिलेक्टेड, यानी कि 7 में से आपको 6 चुनना है. चुनना तो 6 ही है, एक को सिलेक्ट करना ही नहीं है, दैट मीन्स बचे हुए 7 में से. एंड सी एक लेडी है, एक वुमेन है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी कि आपको इनिशियली 10 women में से 5 चूज करना था, बट आपने देखा कि एक वुमेन तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी कि आपको सिलेक्ट करना है 4 आउट ऑफ बचा हुआ 9. एम आई क्लियर? थर्ड केस को आओ देखते हैं. 1 particular man इज नेवर सिलेक्टेड, यानी कि आपको चुनना था 8 में से 6, बट अगर एक सिलेक्ट नहीं होगा तो आपको 7 में से 6 चुनना होगा, बचे हुए 7 में से 6 चुनना होगा. 1 particular woman इज नेवर सिलेक्टेड, 10 में से 5 चुनना था, अभी भी आपको 5 चुनना है मगर बचे हुए 9 में से. क्लियर? तो ये कितना हो रहा है भाई, 7C5, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 7C2, तो 7 × 6/2 × 9C5 मीन्स 9C4, यानी कि 9, 8, 7, 6, 4 बार 4, 3, 2, 4 × 8, 3 × 6, दैट मीन्स 7, 6, 42 और 7, 9, 63. इसको सॉल्व करें, अगर उसको बाद में सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, 7C6 मीन 7C1, यानी कि 7 एक बार. 9C4 यानी कि 9 × 8 × 7 × 6 बाय 4 × 3 × 2, 4 × 8, 3 × 9, दैट मीन्स 7 × 21 और 7, 6, 42. इसको सॉल्व करें तो 7C6 दैट मीन्स 7C1, 9C5 दैट मीन्स 9C4, तो 7C1 और 9C4 दैट मीन्स ये भी आपका 21 × 42 ही होगा. चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 जातिया 12, 6 × 12 और 12, 24 कैरी 2, 4, 6, 24 और 2, 26. सिमिलरली 21 × 42 दो कैरी 4, 21, 4, 84 और 4 यानी कि 88 और ये भी 88. 3 different cases का अलग अलग हमने आंसर निकाल लिया. अब 3 different cases आपस में और से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स हमें सम करना है. तो 2646 प्लस 8822 टाइम इज योर 4410, दिस इज योर आंसर. तो आज इस पड़ाव को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द. कॉम्बिनेशन के सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का. आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है,
आपको अगर रियली हमसे, हमारे चैनल से, हमारे कंटेंट से फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने जानने वाले लोगों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका ये एक मोटिवेशन की तरह काम करता है कि हम आपके लिए और भी इससे अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द गाइस, तब तक अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। बाय।